जी प्यारे बच्चों, यूजेज ऑफ डायमेंशंस गोइंग ऑन। कल आपने फर्स्ट वन यूज को बाय डिफरेंट एग्जांपल्स अच्छी तरह से कवर अप कर लिया। दो तरह की न्यूमेरिकल्स प्रोबेबिलिटी हैं यूज पर, दोनों मेंटेन हो गई। थ्री यूजेज हैं, अब आपके दो बचे हैं रेस्पेक्टिवली। सो कम टू द सेकंड यूज ऑफ डायमेंशंस। सी सेकंड यूज, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी सेम केस में दिया आपको, और उसको हमें कन्वर्ट करना है अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी सीजीएस में। कैसे? ये हमारा सेकंड यूज ऑफ डायमेंशंस होगा। सी यूज ध्यान दो, फॉर इट ए बेसिक रिलेशन इज यूज्ड, दैट इज n1 u1 इक्वल टू n2 u2। बड़ी सीधी सी बात है, जैसे मैं कहता हूँ ये रिजी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दो बातें होती हैं, n का मतलब न्यूमेरिकल टर्म, u का मतलब यूनिट। अब एक सिस्टम ऑफ यूनिट ये है, इसे दूसरे में कन्वर्ट करना है। जब ये दूसरे में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब इक्वल टू द n2 u2, इसका मतलब रिलेशन बेसिक। बढ़ते हैं, और यहाँ बेटा जी n2 मुझे मिल गया n1 u1 by u2, राइट। थोड़ा सा और बढ़ूंगा, इसे एक इक्वेशन मैंने कह दिया, वेयर जो गिवन है हमारा वो un1 है, ये भी मुझे गिवन है, लेकिन इसे थोड़ा सा क्लियर करूंगा। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पर डायमेंशंस का यूज कर रहे हैं, यूजिंग डायमेंशंस। दिस वन इज m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c, MLT की फॉर्म में, राइट। वन का मतलब नंबर वन मैंने कह दिया, आगे बढ़ता हूं। U2 ये होगी मेरी यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम, कैसे M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, ABC एज इट इज है, राइट क्योंकि कन्वर्जन कर रहे हम, इक्वल कर रहे हम, ठीक है। तो नो डाउट डायमेंशंस जो होंगी ए बी सी आपकी, उनमें कोई फर्क नहीं होगा, सिस्टम में है वो नंबर वन m1 l1 t1, m2 l2, ठीक है, t2, ओके, राइट। यानी जो सिस्टम हमारा है वो नंबर वन, ठीक है, m1 l1 t1, नंबर टू m2 l2 t2, ठीक है, बट यूनिट के हो डायमेंशंस को कन्वर्जन है भाई, ओके, वो तो सेम होंगी ही, बढ़िया। ये सब गिवन है, अब देखिए एंड, ये जो n2 है ये मेरी प्रॉब्लम, ये तीन मुझे दिए होंगे, इसको मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ रखूँगा रिलेशन में n2 को फाइंड आउट कर लूँगा, दैट इज ये आ गया मेरे पास n1। देखिए ऐसे लिखूंगा m1 by a, m2, ये इसको कंप्लीट लिख लेता हूँ, a l1 divide by l2, b और t1 divide by t2, c, ये लो जी इक्वेशन नंबर टू, वही मैंने फुल एंड फाइनल ऐसे कर दिया। बस एक सिस्टम मुझे मिलेगा वन वाला, दूसरा टू वाला मिलेगा, ठीक है जी, राइट। और ए बी सी नो डाउट वो आपकी डायमेंशंस होंगी, ठीक है, कन्वर्जन है, तो नो डाउट
डायमेंशंस सेम होंगे। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर, वो बात क्या है जी? वो बात ये है कि यहाँ एक सिस्टम है, ये दूसरा है, लेकिन हमारे पास एक बेसिक होता है। और वो बेसिक क्या है कि मान लिया कि साहब एक लेंथ मुझे दी है 2 मीटर में और दूसरी मुझे दी है ए बी, वो दी है मुझे, ठीक है जी, 32 सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं, करते आए हैं कि नॉट आउट कैलकुलेशन के लिए यूनिट्स हम सेम करते हैं, या तो मीटर के सेंटीमीटर या सेंटीमीटर के हम मीटर बनाएंगे। तो ये ध्यान हम यहाँ भी रखेंगे। अभी सारा मेरा नॉन, ठीक है जी, एक थ्योरी डिस्कशन है, बट ये चीज़ हम ध्यान रखें, दो बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंबर एक बात कन्वर्जन है, राइट, तो इसका मतलब सेम बात है, ठीक है, राइट, एक को, ठीक है, दूसरे के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके, जब कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दो, दो बातें, नंबर एक ए बी सी कन्वर्जन है भाई, ठीक है, ओके, इसका मतलब डायमेंशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, वन हो या अनदर हो, ठीक, डायमेंशंस दोनों की सेम। दूसरे मैं केयरफुल रहूंगा कि मुझे नो डाउट इनकी यूनिट्स को सेम करना होगा, क्योंकि एक बात मैं और आपको देखिए ऐड करता हूं, ये बेटा जी डायमेंशंस की ड्रॉबैक है, सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है जी। अब ड्रॉबैक्स के अंदर एक ड्रॉबैक ये भी है आपकी, ठीक है, तो जहां जैसी आएगी उसी हिसाब से, ठीक है, ड्रॉबैक्स तुम्हारे सामने पुट करूंगा। तो ये है कि MKS, ठीक है, CGS, लेकिन डायमेंशंस सेम, ड्रॉबैक ये है, वो MKS हो, ठीक है जी, CGS हो, लिखेंगे MLT में, MKS के लिए भी MLT, CGS के लिए भी MLT ही, तो ये कमी है ना, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि इससे बचने के लिए हम यूनिट सेम कर लेंगे। चलिए सारा, ठीक है, ओके जी, थ्योरेटिकल डिस्कशन मेरे दिमाग में आ गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जाम्पल में और सेकंड यूज को मेंटेन कर जाएंगे। CGS ये लीजिए जी, वो जी की वैल्यू है, यही एग्जाम्पल में हमने ले लिया है, ठीक है, इसको आपने, ठीक है, कन्वर्ट करना है, ओके, वैल्यू को इसकी किससे, फ्रॉम MKS से, MKS में गिवन है, टू CGS, ठीक है जी, सब कुछ पता है। चलिए सॉल्यूशन, ये रहा गिवन आपका, देखिए गिवन में N1 आपका 9.8, राइट जी, गिवन के अंदर U1 आपका, ध्यान देना, दिस इज M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C, राइट, U2, M2 टू द पावर B, L2 टू द पावर सॉरी A, B, T, L2, T2 टू द पावर C, नंबर 1 MKS वाला है, नंबर 2 आपका CGS वाला है, ठीक है जी। चलिए ये तो मेरा गिवन हो गया, N2 क्या है, प्रॉब्लम है मेरी, चलो जी रिलेशन बढ़िए, ये रहा मेरे पास N2, दिस इज N1, ठीक है जी, राइट, M1 डिवाइड बाय M2 A, L1 बाय L2 B, T1 बाय T2 C, बढ़ो, देखिए N1 9.8, M1, ठीक है जी, MKS है, ओके जी, मास के लिए है, ठीक है, और यहाँ कुछ भी मास नहीं है, ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि M1 की डायमेंशन मेरी 0, ओके, ये लिख देता हूँ मैं,
नो प्रॉब्लम, और चाहूँ तो क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है तो एम वन को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नो, मैंने बताया था डिविजन तीनों हम इन्वॉल्व करेंगे, ये हो गया जी। चलिए जी एल वन, यस दैट इज नथिंग, ये मेरा ठीक है जी एल वन इन्वॉल्व है, राइट। तो ये रहा मेरा जो इन्वॉल्व है, दिस इज मीटर एल टू, ठीक है जी, जिसमें मुझे करना है, दिस इज नथिंग सेंटीमीटर, ठीक है। पावर क्या है, पावर यहां पर वन, ठीक है जी। अब आपने रियलाइज कर लिया साथ के साथ, वो वन के साथ हो मीटर तो भी डायमेंशन, वो सेंटीमीटर के साथ हो ठीक है तो भी डायमेंशन, ठीक है। एल वन मीटर है डायमेंशन वन, एल टू ठीक है जी सेंटीमीटर है डायमेंशन तो भी वन, पहली बात ये थी ना कि सेम कन्वर्जन है, राइट वन, बढ़िया जी। टी वन यस इन्वॉल्व है, टी टू भी इन्वॉल्व है मेरा, ठीक है जी ओके। चलिए जी अब जब इन्वॉल्व है तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूं, ध्यान देना, इसी चीज को अगर मैं चाहूं तो यहाँ 9.8 मीटर सेकंड माइनस टू लिख सकता हूं, यस बढ़ो, तो इसका मतलब टी वन क्या है जी सेकंड, ओके, और नो डाउट टी टू भी, वहां कोई फर्क है ही नहीं, सेकंड। सी पर आइए, सी सी इज क्लियर, सी इज माइनस टू, कन्वर्जन है भाई, ओके माइनस टू, राइट। इसका मतलब ये देखिए, वेयर चाहो तो यहां क्लियर कर लिख दो, ए मेरा जीरो है, बी मेरा वन है और सी मेरा माइनस ठीक है जी टू है, बढ़ू जी। अब देखो ध्यान दो, देखिए एंड देयर इज वन थिंग मोर, एंड एम वन नो नीड टू से इट्स क्लियर, अब जरा ध्यान देना, इसकी भी पावर जीरो, इसकी भी पावर जीरो ठीक है जी, और एनीथिंग की पावर जीरो क्या है जी वन ही है, वन, यहाँ से मुझे वन मिल गया ठीक है, वन इंटू 9.8, 9.8 मेरा जिंदा रह गया, बढ़ो ये आ रहा जी मेरा एन टू, दिस इज एन टू, आइए आगे बढ़िए, यहाँ आइए, इसके बाद ये मीटर सेंटीमीटर बताई थी मैंने, दूसरी बात कि हम यूनिट सेम कर लेंगे, मीटर का सेंटीमीटर बना लो ठीक है, सेंटीमीटर का मीटर बना लो, जो इजी है वो करो, चलिए जी मीटर का ठीक है सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर आपने कर लिया, ये रहा दिस डिवाइड बाय सेंटीमीटर, पावर वन है, लिखो या आप ना लिखो बढ़िए, ये रहा जी ये दोनों सेकंड है जी आपके ठीक है ओके राइट। और ये मेरे पास क्या आ गया जी, यहाँ समझ लीजिए ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन बनाइए कि यहाँ ये ख़त्म हो चुका है ठीक है ओके, अगले स्टेप में सेंटीमीटर को भी ख़त्म कर दूंगा मैं ठीक है, ख़त्म हो गया तो सीधे मैं वन लिख देता हूँ, और वन टू दी पावर माइनस टू ठीक है जी। अब बोलो बढ़ू आगे, चलिए ये सेंटीमीटर भी ख़त्म हो गया, चलिए अभी तक मैं इसकी पावर वन ठीक है, मैंने अभी कहा था छोड़िए, चलो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी भी आपने लिखी है ठीक है जी, एक सिमेट्री वाली बात, ऐसी कोई खास बात नहीं है ठीक है राइट जी, जरा कम टू द पॉइंट हो जाओ ठीक है, कि वन ना भी लिखते कोई नहीं ठीक है, एक सिक्वेंस के लिए क्योंकि यहाँ माइनस टू लिखा आपने वन लिख दिया, दैट्स ऑल, पढ़ो क्या है जी ये रहा, इट इज 9.8 इंटू 100 ठीक है जी, क्योंकि 100 की पावर वन ठीक है 100 ही है, और वन की पावर कुछ भी हो ठीक है वन ही रहेगी ठीक है जी। ये लो लिख लेता हूँ इंटू वन, क्या आ गया मेरे पास 980, दिस एंड टू आई एम गेटिंग, ये लो आपकी बेसिकली प्रॉब्लम जो थी ठीक है जी वो एन टू ही थी, क्वेश्चन मार्क
यही थी ना, निकल गई आपकी, बस एक सेंटेंस आपका बचा है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, जब एन टू निकालते हैं यहीं फिर साथ में ही सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान दो मेरी बात पे। कई बार गड़बड़ क्या होती है, एन टू निकला और यूनिट इसी के साथ लगा दी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो नो नो, ये न्यूमेरिकल टर्म है और न्यूमेरिकल टर्म का यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नेक्स्ट लाइन में ठीक है जी, आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो और क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दो, कैसे ये रहा। देखिए, एंड देयर फॉर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इन CGS विल बी, ये आ गई जी आपकी 980। अब देखिए इसकी, ठीक है, वैल्यू लिख रहा हूं मैं, वैल्यू यानी कंप्लीट क्वांटिटी को, जहां न्यूमेरिकल टर्म एंड यूनिट दोनों होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या, यूनिट यहां नहीं, यहां लिखेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह कन्वर्जन आपका MKS से CGS में जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू का हो जाएगा, राइट। ये रहा जी सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 आंसर, डन। बोलिए, कहीं भी कोई भी कंट्राडिक्शन इस एग्जाम्पल ने इस यूज को मेंटेन कर लिया, ठीक है बेटा जी। और ध्यान दो, देखिए इसने एक तरीका भी दिया आपको, थोड़ा सा अटेंशन बनाओ। और तरीका क्या है, किस बात के लिए है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए। न्यूमेरिकल्स का भी यही वे है कि बेटा जी जो भी गिवन है आप लिखिए, जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन मार्क करिए, सिचुएशन क्लियर, फिर प्रॉब्लम पर प्रॉपर वे में आपने सोचना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, राइट, इनडायरेक्ट लगेगा, लगाओ सॉल्यूशन करो, डन। यानी ये जो डिस्कशन यहाँ पर सेकंड यूज का आपने किया है, ये आपको न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये भी रिवाइज कर गया। अगर आपसे आता है बढ़िया बात है, नहीं है ये समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी, हमेशा ऐसे ही करने होंगे, गिवन क्वेश्चन मार्क सिचुएशन क्लियर प्रॉपर वे डायरेक्ट, ठीक है जी, इनडायरेक्ट। लेकिन एक और चीज ऐड करता हूँ, जब भी इस प्रोसीडिंग को करो, स्पेशली प्रॉपर वे को, सिचुएशन आपकी सामने होनी चाहिए, आपके एक्सेलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, उसी के हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर वे आप डायरेक्ट, ठीक है जी, इनडायरेक्ट यूज करेंगे। तो यूज के साथ साथ आपने ये समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल्स करना भी सीख लिया, बड़े एक एग्जांपल और करूँगा, पक्का हो जाएगा सही जी। कन्वर्ट 1 न्यूटन यानी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक फोर्स फ्रॉम MKS में है भाई टू CGS, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स को MKS से CGS में, ठीक है जी, कन्वर्ट करना है। चलिए जी, वे आपके पास है, फटाफट ये रहा जी सॉल्यूशन, ध्यान दो। हाँ जी, गिवन N1 U1 सीरीज वन दैट इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, आई एम गोइंग टू राइट इस M1 L1 T1, ओके जी, डाइमेंशंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नो डाउट ये समझ लीजिए कि शुरुआत
यहाँ से है तो आपने ठीक है जी यहीं से डायमेंशंस यूज कर ली। सेम बड़े यू टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दैट इज एम टू एल टू एंड टी टू सी। सेकंड स्क्वायर को आप ऊपर सेकंड माइनस ठीक है जी टू भी ले सकते हैं एन टू क्वेश्चन मार्क। ओके तो क्या गिवन है प्रॉब्लम क्या है सिचुएशन क्लियर प्रॉपर वे आपके पास ये रहा जी डायरेक्ट ठीक है रिलेशन बढ़िए ये आ गया मेरे पास दिस एन टू दैट इज एन वन एम वन बाई एम टू दिस इज ए एल वन बाई एल टू दिस इज बी टी वन बाई टी टू दिस इज सी। और बढ़ता हूँ जी देखो एन टू एन वन यस वन एम वन हाँ जी ये रहा मेरे पास एम वन ठीक है जी ओके और नो डाउट यू सी कि ये मेरा एम वन किस में है जी दिस इज इन के जी एम टू ठीक है राइट वी कैन राइट लाइक नो नीड टू राइट दिस एम वन एम टू ठीक है एल वन एल टू टी वन ठीक है जी टी टू हटा दो इसको ये लो हटाओ खत्म करो ठीक है एम वन एल वन टी वन एम टू ठीक है एल टू राइट ये लो जी बस रिलेशन में हमने लिख लिया सब एम वन एल वन ठीक है टी वन राइट एम टू एल टू राइट टी टू। अब नो डाउट ये किस सिस्टम के उन्हीं सिस्टम में हम इन्हें यूपीएससी वन वाले एम के एस में टू वाले सी जी एस में तो मेंटेन करेंगे सेम बढ़िया ये राजी एम वन दैट इज के जी एंड एम टू ठीक है जी ग्राम और ये लो जी ए पावर कितनी है इसकी ध्यान दीजिए सी दिस वन के जी ग्राम डायमेंशन आपकी कितनी है वन। चलिए जी तो चाहो तो आप ये समझ लीजिए कि इसके ठीक बाद यहाँ लिख लो वेयर ए वन बी हाँ जी देखो बी को देखो मीटर सेंटीमीटर केजी ग्राम डायमेंशन वन ए वन मीटर सेंटीमीटर डायमेंशन वन बी वन ठीक है सेकंड माइनस टू ये तो दोनों के दोनों आपके सेम ही है ठीक है लेकिन डायमेंशन माइनस टू हाँ जी तो ये ए कितना लिखूं वन आई एल वन क्या है मेरा दिस इज मीटर एल टू क्या है सेंटीमीटर क्या है जी वन आगे बढ़िए टी वन ये तो दोनों सेकंड है टू आ जाओ राइट चलो बेटा जी यही देखो वन एज इट इज बढ़ो आगे के जी लेकिन आपको पता है आपने यूनिट्स को सेम करना होगा तो जो मर्जी के जी के ग्राम बनाओ ठीक है जी जीएम करो ग्राम का के जी बनाओ जो ईजी के जी का ग्राम 1000 की मल्टीपल के साथ बन गया ये हो गया जी ग्राम जो कहते हो फिर वही बात है पावर लिखो ना लिखो नहीं लिखता छोड़िए फिर मीटर के सो 100 सेंटीमीटर बन गया ये सेंटीमीटर बन गया ठीक है छोड़िए और सेकंड तो खत्म हो गया ठीक है जी ऑलराइट इसका मतलब मैं सीधे 1 की पावर माइनस 2 लिख दूं तो कोई मना नहीं करेगा बढ़िए देखो 1 जो का क्यों ग्राम कैंसिल है सेंटीमीटर कैंसिल है क्या बच रहा है यहाँ पे 1000 यहाँ क्या बच रहा है 100 और यहाँ क्या बच रहा है 1 की पावर 1
और कुल मिला के क्या हाथ आ गया आपके पास, 10 की पावर 5 एंड 2। ये लो जी, ये लीजिए, दिस एंड दिस एंड एंड देयर फॉर। बस अब एक सेंटेंस लिख लो, वैल्यू हाँ जी ऑफ फोर्स इन सीजीएस ऑफ आई कैन से 1 न्यूटन फोर्स इन सीजीएस इन सीजीएस विल बी क्या की आपकी जी 10 की पावर 5। पहले आप न्यूमेरिकल ठीक है जी टर्म लिखेंगे, यूनिट यहाँ नहीं लगाएंगे। अब क्योंकि कन्वर्जन हो गया है अब आप यूज करेंगे, यूनिट आपको पता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। ये रहा जी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। और देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 5 ठीक है डाइज। ये जो भी था न्यूटन, न्यूटन एमकेएस के अंदर आर्बिट्रेरी यूनिट है फोर्स की और डाइज सीजीएस के अंदर आर्बिट्रेरी यूनिट है ठीक है। फोर्स कई बार आ जाता है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू 10 की पावर 5 डाइज, यू विल डू लाइक दिस। सेकेंड यूज मेंटेन हो चुका है आपका, थर्ड यूज पर आ गया आप जान दो। देखिए थर्ड यूज हमारा क्या है, थर्ड यूज ऑफ कोर्स वी कैन से नथिंग एल्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट वन, सी टू एस्टेब्लिश करेक्ट रिलेशन, करेक्ट रिलेशनशिप फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी और बिटवीन सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज। ये लीजिए राइट एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस यूज करके हमें करेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करनी है या सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करनी है। सी देखो बेटा कैसे एक सिचुएशन पुट कर रहा हूं, सी ध्यान दो। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स राइट जी अपॉन द लेंथ ऑफ द सिस्टम। देखिए ये सिंपल पेंडुलम का सिस्टम है और लेंथ क्या है ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से लेके इस बोब के सेंटर तक इसको हम लेंथ या इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। प्रैक्टिकल में यूज करोगे इसका मतलब न केवल इसमें ये क्या लिया थ्रेड लिया यानी मासलेस स्ट्रिंग लिया आपने ठीक है ओके। तो लेंथ कौन सी होगी, ये इस थ्रेड की लेंथ, इस हुक की लेंथ और यहाँ तक सेंटर तक यानी रेडियस, ये आपकी इफेक्टिव होगी। राइट इफेक्टिव ठीक है टर्म मैंने दे दी, प्रैक्टिकल में काम आएगी ठीक है। तो क्या कह रहा क्वेश्चन वाला कि साहब देखिए ये इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ किसी एक्सटर्नल ठीक है फोर्स से फोर्स को हटाओ। अब देखो ये यहाँ से अपनी मीन पोजीशन में आएगा, फिर इधर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर मीन में आएगा, फिर इस साइड में जहाँ से चला उसी एक्सट्रीम पर आएगा। तो यहाँ से यहाँ आने में साइकिल पूरी होगी, इसके टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। सिचुएशन इसी की है कि हमें टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का ठीक है जी राइट डिपेंड कर रहा है इस ठीक है जी इफेक्टिव लेंथ पर, लेंथ या इफेक्टिव लेंथ पर। एंड उसने आगे भी कहा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पर राइट। अब हमें क्या करना है डिटरमाइन करेक्ट रिलेशनशिप और टाइम पीरियड ठीक है जी। टाइम पीरियड के लिए करेक्ट
रिलेशनशिप डेवलप करनी, या ये कह सकते हैं हम कि साहब टाइम पीरियड जो है वो लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों पर डिपेंड करता है। इन तीनों के बीच में रिलेशन डेवलप करना, क्वेश्चन ऐसे बोल दो या आप ठीक नहीं ऐसे भी चलिए जी कैसे। थर्ड यूज यही है कि डमीशंस को यूज करके कैसे सी स्टेप वाइज, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, चार ठीक है स्टेप्स नजर आएंगे और रिजल्ट आपके पास होगा, सी वन बाय वन। हाँ जी, स्टेप नंबर वन लगभग आ गया है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है आप उसे मेंटेन करेंगे, जिन पे कर रहा है उनकी प्रोपोर्शनलिटी के साथ इन मल्टीपल मैनर विद द डायमेंशंस, विद द अननोन डायमेंशंस। यानी इसको थोड़ा सा खोलता हूं, पी कांस्टेंट आ गया, एल की पावर ए, जी की पावर बी, और ये मेरी इक्वेशन नंबर वन आ गई, वेयर ए एंड बी ये मेरी अननोन डायमेंशंस होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो क्वांटिटी डिपेंड करती है जिस पे करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करो उनके, मल्टीपल मैनर में करो, अननोन डायमेंशंस के साथ लिखो, ओपन करके कांस्टेंट आ जाएगा ये रख के, ठीक है जी, कांस्टेंट का डायमेंशंस के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है जी। बट ये जो ए भी आपने अननोन डायमेंशंस लिए हैं, क्वेश्चन मार्क ये है, बस आपको अननोन डायमेंशंस का पता चल जाए आपको रिलेशन मिल जाए, स्टेप नंबर वन। ठीक है, सेकंड यूजिंग डायमेंशंस बोथ द साइड्स। चलिए जी, चलो भाई, यूजिंग डायमेंशंस बोथ द साइड्स, टी एम नॉट एल नॉट टी, राइट हैंड साइड पढ़िए, कांस्टेंट हटिए, एल लेंथ, एम नॉट एल की पावर ए, टी नॉट इनटू जी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला यू नो, दिस इज एम नॉट, ठीक है जी, एल टी माइनस टू बट पावर बी, चाहे तो मैं यहाँ बस बढ़िए, इसको खोल दो ही, देखो ये रहा, दिस इज एम नॉट एल टू द पावर ए टी नॉट, और इधर मेरे पास आ गया, ठीक है, इनटू एम नॉट एल की पावर बी टी की पावर माइनस टू बी, ठीक है, एम नॉट एल ए, ठीक है मेरा जी, एम नॉट एल ए टी नॉट, राइट इधर आइए, एम नॉट एल की पावर बी बी टी की पावर माइनस टू बी माइनस टू बी, एक्सपोनेंट्स के रूल्स लगा के मेंटेन कर ले और आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा जी, दिस एम नॉट एल नॉट टी, राइट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। चलिए ध्यान दो, यहाँ आइए, आगे इन दोनों की मल्टीपल में भी आप एक्सपोनेंट्स के रूल्स यूज करो, एम नॉट ये रहा जी, एम नॉट, चलिए एल ए है बी है ऐड कर दो, मल्टीपल है एल टू द पावर ए प्लस बी, चलिए टी पर आइए, ये आपका नॉट है माइनस टू बी है ऐड करो माइनस टू बी, ये ले चलिए इक्वेशन टू, यूजिंग डायमेंशंस आपने सेकंड स्टेप बाय इक्वेशन टू मेंटेन कर लिया। ठीक है, अब देखिए फोर बताए थे ना, थर्ड वन क्या होगा, चलो जी अब देखो बेटा जी, जब यहाँ पर देखो बड़ा बेसिक अलजेब्रा, जब ये बेस हमारा सेम है, ठीक है ओके एम एल टी, तो नो डाउट डायमेंशंस इनकी आपकी सेम ही होगी, सो वी कैन इक्वेट करेंगे, ठीक है जी,
इक्वेटिंग, डिविजन, बोथ द साइड, ठीक है, थर्ड स्टेप ये होगा। हाँ जी, एंड देन चलो, एंड देयर फॉर इक्वेटिंग डायमेंशंस बोथ द साइड्स, ये लो जी। चलिए जी, नॉट खत्म। आइए यहाँ पे ए प्लस बी एंड दैट इज जीरो, ठीक है जी, ए प्लस बी, ठीक, राइट, ओके जी, ठीक है। चलो जी, आइए जी, इसको इक्वेशन थ्री दे दो, माइनस टू बी एंड क्या है, दिस इज इक्वल टू, इसकी पावर कुछ नहीं है तो वन, ये लो, अगर डाउट है तो वन आप लिख सकते हो, वन, सीक्वेंस बना लो, नॉट 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 खत्म। एल की पावर ए प्लस बी, यहाँ क्या जीरो, चलिए जीरो के बराबर कर दिया इक्वेशन, यहाँ आ गया मैं टू बी किसका, वन के बराबर, ये रहा जी। तो इसको तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लूँ मैं यहीं पे, ये रहा, जब माइनस टू बी वन है तो बेटा जी मेरा बी माइनस वन बाई टू, ये रहा फोर, ठीक है, ये स्टेप नंबर, ठीक है जी, तीन भी आपने मेंटेन कर लिया, ठीक है, राइट। बस इसमें थोड़ी सी बात बची है, क्या, कि ये जो मेरी इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, बस इन्हें सोल्व करके अननोन डायमेंशंस को मुझे क्लियर करना होगा। एक तो बी तो आपकी डायरेक्ट हो गई, बस अब बी को जरा यहाँ रखो, ए भी आपका क्लियर। चलिए, कैसे, यानी फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, ये लो जी, ए माइनस वन बाई टू जीरो, ए वन बाई टू, ये रहा जी, ये लीजिए, राइट। चलो जी, बी को आपने माइनस वन बाई टू यहाँ रख दिया, ए आपको, ठीक है, गेटिंग वन बाई टू, ठीक है, तो आपका थर्ड वन, ठीक है जी, यानी मेन वन, ओके, अननोन डायमेंशंस का डिटर्मिनेशन होगा लास्ट, ठीक है, फोर्थ वन, बस अभी इन अननोन डायमेंशंस को आप कहाँ इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, ठीक है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट, सी। ये देखो जी, फ्रॉम वन फोर, ठीक है, एंड फिफ्थ को आप राइट मर्ज करेंगे, राइट अकॉर्डिंगली करेंगे, और रिलेशन आपके पास होगा सेम थिंग, ये आ गया जी मेरे पास टी, हाँ जी, के कॉन्स्टेंट है एज इट इज, एल एल पावर ए, ए कितना, वन बाई टू, चलिए जी, जी वन बाई टू, आगे बढ़ो, जी बी कितना, माइनस वन बाई टू, बी टू द पावर माइनस वन बाई टू, टी के एल की पावर वन बाई टू एज इट इज, इस माइनस को प्लस करूं, नीचे ले जाओ, ये आ गया मेरे पास, यानी माइनस वन बाई, ठीक है, टू आपका नीचे जाके, ठीक है, राइट, पॉजिटिव हो जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगी और मॉडिफाई हो जाएगा, एंडलेसन मिल जाएगा, ओके, सेम थिंग, ये रहा जी, बी की पावर वन बाई टू, आप देखें दोनों की पावर आपकी यहाँ पर, ठीक है, वन बाई टू है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपोनेंट्स रूल्स यहाँ भी लग रहा है आपका, लगाइए, ये रहा, ये मिल गया टी, दिस इज के, यानी एल बाई, ठीक है, ओ द वन थिंग इज रिटन रॉन्ग, जी है जी, नॉट बी, मेक इट करेक्ट, जी जी, चलिए जी, एल बाई जी की पावर, ये रहा जी, वन बाई टू, इक्वेशन सिक्स, रिलेशन आपको मिल गया, ये चाहिए था आपको, के एल बाई जी की पावर, ठीक है जी, वन बाई टू। बस एक छोटी सी बात है, कई बार ऐसा होता है कि के की वैल्यू नोन होती है, या तो गिवन हो या
नॉन टू द, ठीक है जी, कैंडिडेट स्टूडेंट। तो इफ इट इज सो राइट दैट, और यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है जी, ये आपके बेसिक में आई विल टेल यू वेयर वेयर ये के आपका क्या है, टू पाई। ओके पुट करो, ये आ गया, देखिए दिस कैपिटल टी इट बिकम्स के, वी कैन से और करके के तो अब आपको ठीक है नॉन हो ही गया, टू पाई एल बाई जी की पावर वन बाई टू, ये लो जी सवाल, ध्यान दो, ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका पूरा ठीक है, यूज आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। हाँ के आपको लोन है तो आपने पुट कर दिया, ठीक है जी, या गिवन है पुट कर दिया, तो फिर आपका यहाँ जाके कंप्लीट वन राइट, थर्ड यूज भी आपने मेंटेन कर लिया, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि डेलीशंस हमारे पास तीन है एमएलटी, इसका मतलब जो भी मेरा क्वांटिटी होगी वो तीन के ऊपर ही बेस्ड होगा जनरली, क्योंकि एमएलटी तो है, तीन के साथ ही तो डीलिंग कर सकता हूँ। सी जनरली ऐसा ही होगा, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई ठीक है जी तीन के अलावा ठीक इन्वॉल्व हो गई तो उस पर मैं कोई भी अननोन डायमेंशंस प्रोवाइड नहीं करूंगा, उसको एज इट इज रख कर बढ़ेंगे और रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके अब मैं कह सकता हूँ कि डायमेंशंस के ठीक है तीनों के तीनों ठीक है यूजेज आपने मेंटेन कर लिए, ठीक है जी, और जूसी इन तीनों पर सीबीएसई ठीक कॉम्पिटिशन 100% क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बल्कि ये कहेंगे हम कि कुल मिला के डायमेंशंस डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऑल थ्री यूजेज ऑफ डायमेंशंस ओवर, आज की स्टडी खत्म। नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, और आपको ध्यान रहेगा कि आपने डिटेल में वीडियो को देखना है, ठीक है जी राइट, सुनना है समझना है, प्रॉब्लम आप ठीक कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जवाब आपको मिलेगा, और आप भूलेंगे नहीं सब्सक्राइब लाइक करना। ओके थैंक यू फॉर टुडे।